कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से उठा लो। सम्मानित शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चे, आप सबों को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने विद्यालय के वर्ग दसम के छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य में वो और आगे कदमों पर अच्छी अच्छाई की ओर बढ़े, जिंदगी में निरंतर सफलता पाए। मैं कभी भी इस चीज को नहीं देखता कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों में लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहें। इसी में यह भी एक सीढ़ी है जो आप दसम पास करके उच्च शिक्षा के लिए आगे की ओर 11th में 12th में जाएं। और ये तो हमारा कारवा रहा है, जब भी कोई एक शिक्षक होते हैं उनके जिंदगी का सबसे भावुक क्षण होता है, उन्हें हर वर्ष अपने कुछ प्यारे छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उनको अपनी नजरों से दूर करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जितने भी मेरे छात्र छात्राएं या इस विद्यालय के जितने भी सदस्य हैं, आप नजर से भरे दूर चले जाते हो लेकिन हमेशा दिल के बहुत ही करीब रहते हो। तो मैं जो बच्चे हमारे दिल के करीब हैं, हाँ हो सकता है कि आप हमेशा मेरे नजरों के सामने ना रहें, कोई भी इंसान हर वक्त किसी की नजर के सामने नहीं रह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर एहसास रहता है कि वो हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं लगातार 12 वर्षों से यह देख रहा हूँ कि क्लास 10th के बच्चे आते हैं, अच्छा करते हैं, फिर उच्चतर शिक्षा के लिए आगे चले जाते हैं। यहाँ भी मैं लगभग 6 वर्षों से यह देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन इस बार जो बच्चे क्लास 10th से जा रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए उनमें मेरी नजर में सबसे ज्यादा आत्मीयता, लगाव, भावुकता इन्हीं बैच के बच्चों के साथ रहा। तो मैं इन बच्चों का भी शुक्रगुजार हूं जो हर वक्त मेरी आकांक्षाओं पर, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। एक छात्र जीवन में आप में बहुत सारे गुण भी होते हैं, अवगुण भी होता है, क्योंकि आपका एक उम्र है, आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से अब युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिंदगी में बहुत सारा अनुभव आता है, आप नित्य प्रतिदिन नए चीज सीखते जाते हैं। अभी लड़कपन का उम्र था, आपने कुछ गलतियां की, आगे और बढ़ेंगे तो थोड़ा और आपको अनुभव आएगा, आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप गलतियां कम करते जाएंगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आकांक्षा सभी की यही रहती है, इच्छा सभी की यही रहती है, सब में महत्वाकांक्षा होती है कि हम हमेशा सबसे बेहतर करें। लेकिन ये सब निर्भर करता है आप मेहनत किस लगन से कर रहे हैं। हाँ, मेहनत अगर आप करते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा चीज है, आप टैलेंट क्षमता सब में होती है, उस क्षमता का सदुपयोग कौन करता है वही अपने जीवन में हर समय सफल होता है। और हो सकता है आपने मेहनत किया, आपको आपकी इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिली, तो अगर आप कहीं असफल होते हैं तो ये जरूर समझिए कि ये असफलता जो है आपके जिंदगी के लिए कई सफलताओं की सीढ़ी छोड़ गया है। आप एक सफलता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब आप कहीं असफल होते हैं तो आपको आपके जीवन में और सारे बहुत सारे लक्ष्यों की ओर बढ़ना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप में हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना है, मनोबल। मैं हमेशा आपके क्लास में भी बोलता रहता हूं कि जो बच्चा एक बार क्लास वन में अगर वो फर्स्ट कर जाता है तो आप अक्सर लगातार कंटिन्यू ये देखते होंगे, हाँ, कि वो लगातार हर क्लास में वो फर्स्ट ही करता जाता है।
इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मनोबल। आप में यह मनोशक्ति आ जाती है कि हम मेहनत करेंगे तो हम अब प्रथम आएंगे, और वो लगातार आता रहता है। तो आपको हमेशा अपने मेहनत पर विश्वास करना है, और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने सुना ही होगा कि अक्सर की सफलता जो होता है, सफलता आपको घमंड और आत्मविश्वास में एक सीढ़ी का अंतर देता है। आत्मविश्वास है, आप सफलता दर सफलता बढ़ते जाएंगे। बस उस आत्मविश्वास को कभी घमंड में नहीं बदल ले देना है, यह आप हमेशा सीखिएगा। दूसरी बात, आप आगे जा रहे हैं, मेहनत करेंगे, सभी आदमी मेहनत करेंगे, सबको सफलता मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, लेकिन उस असफलता से घबराना नहीं है। बस क्या कहा गया कि कर्म किया करो, फल की चिंता मत करो। और असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है, आप मेहनत करते जाएंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। कहा ये नहीं कहा है किसी ने कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो। तो यह आपको यह संदेश देता है कि इस जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमेशा मेहनत करें, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें। हाँ, दूरियां हैं आप में, ये भावुक पल आप में भी होगा, लेकिन हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे। यह हमारे मन की स्थिति है कि जो भी बच्चे यहाँ से जाएंगे, आपका अपना विद्यालय है, जब भी आप कहीं बाहर रहते हैं, छुट्टी में आते हैं, तो जरूर यहाँ आए, अपने जूनियर के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ताकि आपके अनुभव से आपके जूनियर को कुछ लाभ हो सके। तो बस मैं आपके लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में नित प्रतिदिन सफलता की नई सीढ़ियों को चढ़ते जाएं। आप लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।